फलसूद, बारिश की बेरुखी से किसान परेशान। फसलों को बचाने की जद्दोजहद के लिए दवा छिड़कने के पंप से पानी छिड़ककर फसल को बचाने की कोशिश। पानी की कमी के चलते मुरझाई फसलों को जिंदा करने की जद्दोजहद में पलसूद के समीप चिकलिया के वारती फलिया में किसान रामा अपनी फसलों को बचाने के लिए खेतों में दवा छिड़कने के पंप के माध्यम से पानी छिड़ककर फसल को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। किसान के अनुसार 5000 का प्याज का बीज लगाने के बाद पानी की राह देखते देखते थक गए, इसलिए खुद ही पंप में पानी भरकर फसल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। किसान कहता है कि क्षेत्र में बीते 15 दिनों से बरसात नहीं हुई, कुएं में भी पानी की कमी है, इसलिए पंप के माध्यम से बीज को पानी दे रहा हूं ताकि फसल खराब न हो जाए। इतना पानी तो दे ही दूं, बाकी बरसात होने तक फसल जिंदा रहे। किसान के अनुसार आसपास के क्षेत्र में भी यही हालत है और किसान पानी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो फसलें दम तोड़ देगी। तो मेरे प्याज को रोपो बुयाते अभी उग नहीं रहते, डरम से पानी छिटाते फसल मेरे बात जाए 5000 को नुकसान है। कितने का बीज लाए थे आप? 5000 को। कितने किलो? 4 किलो। तो फिर क्या पानी कितने दिनों से नहीं आया? पानी तो 15 दिन है, जा रोपो 8000 बोला। तो क्या है, पंप से पानी दे रहे हो? हाँ, पंप से पानी छिट रहते तो फसल के बात जाए तो नुकसान है।